मेरा नाम इरशाद हुसैन वानी है सर, मैं श्रीनगर से ही बिलोंग करता हूँ। जितने भी हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में आए ड्राइवर्स आए, हम लोग सारे कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स हैं। हमारे पास सब लोगों के पास एक कमर्शियल व्हीकल है और हम डिफरेंट एग्रीगेटर्स के साथ चल रहे हैं, जिसमें नो कैब्स है, आला कैब्स है, ऑन कैब्स है, डिफरेंट। इसमें कुछ लोग लीगल है, कुछ लोग इलीगल भी है। लेकिन रिसेंटली इसमें एक और हमारे साथ जुड़े थे जिनका नाम है आला कैब्स, और आला कैब्स को सिर्फ इस बेस पे रजिस्ट्रेशन मिली कि कमर्शियल व्हीकल्स के साथ वो सड़क पे चलेंगे। लेकिन आज की डेट में जब हमने उनको कमर्शियल व्हीकल्स प्रोवाइड की, लेकिन आज की डेट में हम ही को वो किक आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं जी हम जी प्राइवेट व्हीकल्स ही चलाएंगे। हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जितना भी आरटीओ डिपार्टमेंट है वो हमारी हेल्प करे और इन इलीगल एक्टिविटीज को जो प्राइवेट व्हीकल्स के थ्रू हो रही है, जो कि प्राइवेट व्हीकल्स को कभी भी आप टैक्सी नहीं बोल सकते हो, हमारे पास एक लीगलाइज्ड टैक्सी है, हम उस टैक्सी के थ्रू अपना काम करना चाहते हैं। जो भी इलीगल टैक्सीज है, प्राइवेट व्हीकल्स में लोग सवारियां उठाते हैं, उसको हम चाहते हैं कि कंप्लीट इरेडिकेट करें, क्योंकि उसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसमें ये चीज है कि एक तो हम अपना परमिट, 1.5 लाख रुपए का हमको परमिट ही मिलता है, साल का हमारा टैक्स भी अलग, इंश्योरेंस भी अलग, टोकन भी अलग, हर साल ये भरना है। अगर हमने ये सब चीजें भरनी है और उसके बाद भी प्राइवेट व्हीकल लोग सवारियां उठाएंगे तो फिर हमको वो पैसा वापस करो, हम भी प्राइवेट व्हीकल चलाएंगे। ये सिंपल सी चीज है। अगर आपने एक टैक्सी, किसको बोलते हैं टैक्सी, इसी चीज को बोलते हैं ना कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन मिलता है कि आप सवारी उठा सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी सवारी उठा रहे हैं तो इसको चेक किसको करना है? ऑब्वियसली इसको गवर्नमेंट को ही चेक करना है। लेकिन हमारी तरफ से हमको ये समझ आ रहा है कि आरटीओ डिपार्टमेंट इसमें कंप्लीट फेल है, जिसमें हम सफर कर रहे हैं। जितनी भी हमने कमर्शियल व्हीकल्स इन दिनों लाई है, ऑलमोस्ट ये 200 के करीब व्हीकल्स है, तो हम सब ने लोन निकाल के, किसी ने किस तरह अपना बेचारे ने पेट काट के ये सारा कुछ किया। हम तो अभी अपना लोन की किस भरने में परेशान है कि कैसे किस भर, क्योंकि हमारे पास राइड आती ही नहीं है। देखिए कल से हमने एक ड्रिल स्टार्ट की, सिंपल सी ड्रिल, अपनी कस्टमर ऐप से हमने बुकिंग्स की, जिसमें अगर हमने 100 राइड्स बुक की, 100 राइड्स में से 90 राइड्स प्राइवेट गाड़ियां उठा रही है, 10 ही राइड्स सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों का आ रही है। अब आप ये खुद देख सकते हो, जो टैक्स भर रहा है उसको राइड ही नहीं मिल रही, वो पैसा ही नहीं कमा रहा है। जो कोई टैक्स नहीं भरता, कुछ नहीं भरता, वो अच्छे से अपना पैसा कमा रहा है। तो हमारा मुद्दा ये है कि प्राइवेट टैक्सीज कंप्लीट बैन हो। बस बिल्कुल, क्योंकि सर उसमें उनका फायदा, वो हमने जब एग्रीगेटर से बात करने की कोशिश की तो वो बोल रहे हैं कि जी हम अभी राइड्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं हम जी, और हमको चलाना है तो चलाना है, हमको चलना है, क्योंकि कल को आप लोग टूर पे जाओगे, आप लोगों का टूर आता है ट्रेवल के थ्रू तो आप जाते हो। लेकिन हमने उनसे ये कहा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ कॉन्स्टेंट चल रहे हैं। लेकिन वो टस से मस, वो कहते हैं कि हम रेट्स डाउन करेंगे। देखिए जब एक प्राइवेट व्हीकल चलता है ना तो वो कम रेट पे भी चलेगा क्योंकि उसको गवर्नमेंट की तरफ कोई टैक्स भरना नहीं है। हमने 1.5 लाख रुपए, फिर से बोल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए का परमिट लिया, टोकन फीस भरना है, इंश्योरेंस हमने, हमारा 30,000 रुपए का इंश्योरेंस होता है, फिटनेस होती है, तो हमें वो पैसा भी पैसेंजर से ऑब्वियसली लेना है। इसमें जो प्राइवेट व्हीकल है वो अगर उनको 18 रुपए भी पड़ेंगे किलोमीटर के हिसाब से तो वो तो उसपे भी खुश है, लेकिन हमारे लिए वो जेन्युइन नहीं है क्योंकि हमने सारा ये टैक्स भरना है, सब चीजें भरनी है, लेकिन इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। या तो ये दो ही चीजें करें, या प्राइवेट व्हीकल्स को बंद करें, कंप्लीट बैन करें, ठीक है। अगर आप ये लोगों को आराम देना चाहते हैं कि कहते हैं कि नहीं जी लोगों को रिलैक्स होना चाहिए, उनको सस्ता होना चाहिए, फिर हमें हमारा 1.5 लाख रुपया वापस दे, हम भी इनको प्राइवेट व्हीकल्स बनाएंगे, हम भी प्राइवेट टूर पे चलेंगे। ये सिंपल सी बात है ना सर, क्यों फिर गवर्नमेंट ने प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बनाया है? ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने कमर्शियल और प्राइवेट को अलग कर दिया है, किस बिना पे किया है? क्योंकि प्राइवेट जो व्हीकल है वो सवारी नहीं उठा सकता है, कमर्शियल व्हीकल सवारी उठा सकता है। ये सिंपल चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें हमारा सिंपल मुद्दा है कि प्राइवेट व्हीकल्स बंद करें, बस। हमने सर गवर्नर ग्रीवेंस सेल में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज की थी, मैं इवन पता नहीं मेरे अभी फोन में है मैसेज कि नहीं, वो उसमें हमें रिप्लाई भी मिला था कि हमने जी आपस में इन्होंने कुछ किया हुआ है, तो मुझे वो मैसेज मिला, लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। इन कंपनीज के साथ जो रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है जी, कुछ फीस लगी है या कुछ एग्रीमेंट हुआ है? हम इनको जितना भी हमारा राइड होता है ना, फियर से किसी बंदे का 100 रुपया चढ़ा, उसमें हम सिर्फ इनको अपना परसेंटेज देते हैं। हाँ, कंपनीज को अपना परसेंट होता है, कमीशन होता है जो वो लेते हैं, बाकी पैसा हमारा होता है। नहीं, हम मल्टीपल कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, इसमें हमारा यहाँ डिफरेंट एग्रीगेटर्स है, इसमें आला कैब्स अब रिसेंटली हुआ है, जुगनू है, नोवो है, या हमारा ऑन कैब्स है। इसमें कुछ सर लीगल है, कुछ इलीगल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लीगल है कुछ इलीगल है, लेकिन सारे लोग इलीगल काम कर रहे हैं, चाहे लीगल वाला है वो भी अब इलीगल काम कर रहा है। उनकी जो रजिस्ट्रेशन कैब्स की वो तब मिलती है जब उनके पास कमर्शियल, बिल्कुल
इसीलिए जब सर इनको कमर्शियल व्हीकल जरूरत थी, इवन जब आप देखोगे पिछली बार आला ने स्टार्ट किया तो वो कमर्शियल गाड़ियां सारी लेके अपने लोगोज लेके चले सड़क पे ड्रिल करने की, देखो जी हमें जी आला कैब्स यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो उसमें उनने सारी कमर्शियल व्हीकल्स दिखाई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे उनको लगा कि शायद ये लोग चुप करेंगे, लेकिन उसमें हम उन्होंने फिर से वही काम स्टार्ट किया जो उन्होंने नहीं करना था। उन्होंने इलीगल काम स्टार्ट किया, उन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स इंक्लूड किया और उनसे दो दो हजार रुपया ले रहे हैं कि आप जी हमें सिक्योरिटी दे दो, दो दो हजार रुपया और हम आपको चलाएंगे। या तो ये पैसे के लिए कर रहे हैं या किसी और, वो हमें नहीं पता। लेकिन इसमें हमारा मेन कंसर्न ये कि आरटीओ जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ले, इनको बैन करे या तो हमारे साथ कोई इंसाफ करे। सिंपल चीज है।